हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मानसी गुप्ता एक बार फिर से SPL लाइव लर्निंग में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है अकेले में क्या करती हैं लड़कियां? What girls do when alone? लड़कियां घर में रहती हो या फिर किसी हॉस्टल में, कभी ना कभी तो अकेली रह ही जाती है। ऐसे में वो क्या काम करती हैं, क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कौन से हैं वो काम जो लड़कियां अकेले होने का फायदा उठाकर करती है। नंबर एक, एडल्ट कहानियां पढ़ती हैं। एक सर्वे के दौरान हमको यह पता चला कि दुनिया में 40% लड़कियां सेक्स स्टोरी को पढ़ना पसंद करती हैं। इससे यह साबित होता है कि लड़का या लड़की हर कोई सेक्स का दीवाना होता है। नंबर दो, एडल्ट फिल्में देखती हैं। जैसे कि हमने पहले आपको बताया, लड़कियों को भी सेक्स पसंद होता है। जब लड़कियां अकेली होती हैं तो वो अनेक प्रकार की सेक्स मूवीज को देखती हैं। एक सर्वे के दौरान इस बात का पता चला कि भारत की 61% लड़कियां सेक्स वीडियोस देखना पसंद करती हैं। नंबर तीन, फोटो की एडिटिंग करती हैं। आजकल सेल्फी का दौर है और ऐसे में लड़कियां सेल्फी लेकर अपने फोटोज को एडिट न करें, ऐसा भला हो सकता है। नंबर चार, अनचाहे बालों को हटाती हैं। अमेरिका के एक सर्वे के दौरान जब वहां की लड़कियों से इस सवाल को किया गया तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि जब वो अकेली होती हैं तो अपने अनचाहे बालों को हटाती हैं। नंबर पाँच, करीबी दोस्तों से बात करना। कुछ लड़कियां अकेले रहना ज्यादा पसंद करती हैं, ऐसे में वो अपने बॉयफ्रेंड या फिर किसी खास दोस्त से बात करती है। नंबर छह, अपनी सहेलियों से बातें। जब लड़कियां घर से बाहर अपने किसी दोस्त के साथ होती हैं तो वो ऐसे बात करती हैं जिनकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। नंबर सात, ड्रिंक करती हैं। कुछ लड़कियां अपना अकेलापन दूर करने के लिए ड्रिंक करती हैं या फिर सिगरेट पीती हैं। मैंने जो भी लड़कियों की आदतें आपको बताई हैं, उनमें से ड्रिंक और सिगरेट को छोड़कर बाकी सभी आदतें मेरे अंदर भी है। और मैं जब भी अकेली होती हूँ तो ऐसे ही अपना मन लगाती हूँ। वैसे मैं अपने लिए एक अच्छे से बॉयफ्रेंड की तलाश कर रही हूँ। उम्मीद है जल्दी ही मिल जाएगा जो मेरा अकेलापन दूर करेगा। आपका धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे हमारी प्रत्येक एजुकेशनल वीडियो आपको मिल सके। इसी के साथ बाय बाय।